बच्चों, मैं पवन कुमार कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए ग्रामर, संस्कृत ग्रामर का पहला भाग लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत आप लोग भाषा, वर्ण और व्यंजन आदि के बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा देख लीजिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब आगे है भाषा के अंग। भाषा के अंग, तो भाषा के 3 अंग हैं। नंबर 1, वर्ण या अक्षर। दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण या अक्षर, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। अब हम देखेंगे वर्ण या अक्षर। अक्षर जिसका नाम से ही स्पष्ट है, आ माने नहीं, क्षर माने नष्ट हो, जो कभी नष्ट ना हो या जिसके कभी टुकड़े ना हो, उसे अक्षर कहते हैं। देखिए इसे, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है, अक्षर किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अक्षर कहलाती है। जैसे जैसे अ, क, आदि, यह हो गया अक्षर या वर्ण। वह भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे आ, क, आदि। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ये वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो हम पहले स्वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वर। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वरवर्ण किसे कहते हैं? स्वरवर्ण ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण
या मात्रा या अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वयं उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। देख लीजिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के हो उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के हो, बिना मिले हो, बिना किसी मात्रा के मिले हो, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, इ, आ, उ, आदि। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के हो उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्वर वर्ण संस्कृत में अच, क्या? अच कहलाते हैं। स्वर वर्णों को संस्कृत में अच कहा जाता है, या स्वर वर्ण संस्कृत में अच कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? वर्ण के अंतर्गत इसका पहला भाग स्वर। अब है व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन यहां देख लें, व्यंजन वर्ण वह वर्ण हैं जिनका उच्चारण अपने आप नहीं हो सकता है, मतलब बिना किसी स्वर के मिले व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। तो देखें कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के मिले नहीं हो सकता है व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के मिले बिना नहीं हो सकता है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के मिले बिना नहीं हो सकता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजनों को संस्कृत में हल, क्या? हल कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लो, व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के मिले बिना नहीं हो सकता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, और व्यंजनों को संस्कृत में हल कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद। अब हम आगे देखेंगे, हमें अभी तक देखा स्वर व व्यंजन, अब हम देखेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, और तीसरा होता है प्लुत। देख लें हम स्वर के प्रकार। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक ह्रस्व, नंबर दो दीर्घ, नंबर तीन प्लुत।
कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व किसे कहते हैं? ह्रस्व माने छोटा, ह्रस्व माने छोटा। परिभाषा क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा, कितना? एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे इसमें आएगा अ, ई, उ, ठीक है? क्या समझे? जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत अ, ई, उ, ठीक है? अब है दूसरा दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा। जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में चाहे कहो ह्रस्व से दोगुना या दो मात्राओं का, क्या ह्रस्व से दोगुना या दो मात्राओं का समय लगे, उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे क्या कहेंगे? दीर्घ वर्ण। समझ लीजिए, जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना या दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं। देखो आ, ई, ऊ। अब देखिए अंतर देख लीजिए यहीं पर। ह्रस्व हमने बताया जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, और दीर्घ जिस वर्ण के उच्चारण में दो मात्राओं का या ह्रस्व से दो गुना। उच्चारण देखिए अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ठीक दो गुना लग रहा है? एक मात्रा का समय लगेगा तो ह्रस्व, और दोगुना या दो मात्राओं का समय लगेगा तो वह दीर्घ वर्ण कहलाता है। इतना क्लियर है। तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में कितना? तीन मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है? जैसे कैसे? जैसे ओम, ठीक है? अभी तक दो चीजों में पढ़ा कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे तो ह्रस्व, उच्चारण देखा आपने अ, ई, उ। दीर्घ में पढ़ा जिस वर्ण के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, आ, ई, उ। अब है प्लुत। प्लुत जिस वर्ण के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, जैसे ओम, ठीक है? अब शेष भाग हम अगले उसमें अगले भाग में पढ़ेंगे।